तो अभी तक हमने बात की है कि दुनिया की आबादी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ रही है। हर साल जो है वो 1 अरब के करीब लोग जो है इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये हम एवरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ कंट्री कंट्री स्पेसिफिक अगर हम देखें तो कुछ एरियाज ऐसे हैं दुनिया के जहाँ पे आबादी जो है वो बड़ी तेजी से कम हो रही है। और इसी तरह यहाँ पे जो डेमोग्राफिक्स अगर हम देखें 2019 और 2050 का हम कंपैरिजन करें तो हमें उसमें मेजर शिफ्ट ये नजर आ रही है कि यूएसए जो है वो थर्ड से फोर्थ पोजीशन पे शिफ्ट हो रहा है और नाइजीरिया जो है वो तकरीबन 7th टू 8th पोजीशन से थर्ड पोजीशन जो है वो उसको अचीव कर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो भी अपनी जो लेवल है उसको मेंटेन रखे हुए है एट 5th पोजीशन इन 2019 टू 2050, अगेन एट 5th पोजीशन बट विद 33 करोड़ पॉपुलेशन। मजीद अगर हम देखें 2050 के बाद 50 ईयर्स उसमें ऐड कर लें तो 2100 के अंदर भी पाकिस्तान जो है वो दुनिया में चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे एग्जिस्ट करेगा। जबकि इंडिया जो है जो उसने पोजीशन चाइना से जो है वो हासिल करके एट 1st पोजीशन पे वो शिफ्ट हो जाएगा 2050 में। इसी तरह 2100 में भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया विल बी एट 1st पोजीशन। अब ये पॉपुलेशन के जो स्टेटिस्टिक्स हमारे पास आ रहे हैं तो इनके अंदर पॉजिटिव मैसेजेस क्या हो सकते हैं कि हमने अगर हम समझते हैं कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो पॉपुलेशन के हवाले से देखा जाए तो कम है, तो फिर हमें पॉपुलेशन को कटेल करना होगा, हमें पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है वो स्लो डाउन करना होगा, ऐसी पॉलिसीज ऐसे मेजर्स लाने होंगे तो पॉपुलेशन कम हो सके। और दूसरा अपोनेंट क्या हो सकता है कि हमें अपने रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लोर करना होगा ताकि हम बढ़ती हुई पॉपुलेशन जो है उसकी जरूरियात को पूरा कर सकें। और साउथ कोरिया ने इस प्रैक्टिस को करके देखा है कि अपनी पॉपुलेशन स्लो करके उन्होंने ग्रोथ रेट को अचीव किया। इसी तरह चाइना की एग्जांपल हमारे पास है कि उन्होंने वन किड पॉलिसी को अडॉप्ट करके इन 70s और 2016 में उसको अबॉलिश भी कर दिया, लेकिन उन्होंने अपना टारगेट जो है उसको अचीव कर लिया। उनका GDP जो है वो हमेशा 7% प्लस के अंदर कंजेक्टिव रहा है। तो अब दो ही चीजें, या पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट को कम किया जाए या रिसोर्सेज को एक्सप्लोर किया जाए। अदरवाइज पॉपुलेशन विद माइजरीज ये जो है ना वो स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर फिनोमेना प्रिवेल करता रहेगा। एक और फैक्ट जो हमें मिलता है 2019 के सेंसस से या पॉपुलेशन फैक्ट शीट से, यूरोप एंड एशिया एजिंग रैपिडली, यानी बेसिकली कॉन्टिनेंट तो एज नहीं करते लेकिन यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो तेजी से बुढ़ापे की तरफ जा रही है, स्पेशली यूरोप के अंदर। और हमने देखा भी है ये इटली, स्पेन, यूके, इन कंट्रीज के अंदर कोरोना की वजह से ज्यादा डेथ हुई है और स्पेशली जो ओल्ड एज इंडिविजुअल्स हैं वो इससे ज्यादा अफेक्ट हुए हैं। तो यहाँ पे 60 प्लस पॉपुलेशन जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, जबकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो इनका अक्सर कंट्रीज का जो है वो अब कम हो रहा है या फिर माइनस की तरफ शिफ्ट कर रहा है। अफ्रीका इज द होम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन। इस वक्त देखा जाए तो यूथ पॉपुलेशन का सबसे बड़ा शेयर जो है वो अफ्रीका के अंदर है। तो अगर अफ्रीकन यूथ को स्किल जो है वो दे दी जाए और इनके जो रिसोर्सेज हैं उसको एक्सप्लोर कर लिया जाए तो यही यूथ जो है इनके लिए नियमत भी साबित हो सकती है। लेकिन फिलहाल यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है, इनकी जो इकोनमी है वो इन चीज़ों को अलाउ नहीं कर रही। तो अल्टीमेटली यही यूथ जो है इनके लिए वो फिर डिफरेंट टाइप की जो नेगेटिव एक्टिविटीज हैं उसके अंदर वो शामिल हो जाती है। फर्टिलिटी रेट इन USA ड्रॉप्ड टू द लोएस्ट लेवल इन द हिस्ट्री with women having an average of 1.7 birth in their lifetime, yani on an average ek aurat jo hai wo 1.7 bacche jo hai wo unko paida karti hai. Isi tarah Pakistan mein agar dekha jaye to ye 3.3 hame growth rate jo hai wo nazar aata hai.
अफगानिस्तान का देखा जाए तो अबव 5 जो है वो एग्जिस्ट करता है, नाइजेर वगैरह का देखा जाए तो अबव 7 ग्रोथ रेट जो है वो मिलता है। तो बाय 2050 इंडिया विल सरपास चाइना एज द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री विद एन एस्टिमेटेड 1.67 बिलियन पीपल व्हाइल मोर पीपल विल बी लिविंग इन नाइजीरिया देन द यूनाइटेड स्टेट्स। और हमने पिछली स्लाइड में देखा भी है कि नाइजीरिया जो है वो यूएसए को सरपास कर लेगा और चाइना जो है वो इंडिया जो है वो चाइना को सरपास कर लेगा। एजिंग ट्रेंड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हेल्ड स्टडी over previous years with countries in Asia and Europe having some of the world oldest populations and countries in Africa being the home to some of the youngest. So, ye trends jo hain wo steady level pe chalte aa rahe hain. Japan ki example le lenge, wahan pe jo youth hai wo waqt ke sath sath kam hoti ja rahi hai aur old age population ka share jo hai wo gradually increase hota ja raha hai. फर्टिलिटी रेट की हम बात कर रहे थे कि यूएसए के अंदर हिस्ट्री में पहली दफा 1.7 का फर्टिलिटी रेट जो है वो रिकॉर्ड किया गया, जबकि दुनिया की एवरेज देखी जाए तो इस वक्त 1.9 सॉरी ये कुछ और स्टैटिस्टिक्स हैं, हम पहले बात कर लेते हैं। नाइजर्स टोटल फर्टिलिटी रेट और एवरेज बर्थ पर वुमेन ओवर देयर लाइफ टाइम इज 7 विच इज हाइएस्ट इन द वर्ल्ड। एक दुनिया का ऐसा कंट्री के जहाँ पे हर तरह के रिसोर्सेज हैं, हर तरह की इकोनॉमी जो है वो एग्जिस्ट करती है, इकोनॉमिक पावर है दुनिया में, वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है वो 1.7 है। और एक वो कंट्री है कि जहाँ पे भूख है, हंगर है, माल न्यूट्रिशन है, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट जो है वो 7 को क्रॉस कर रहा है जो कि हाईएस्ट है दुनिया में। लोएस्ट बर्थ रेट जो है मकाओ एक कंट्री के अंदर देखा गया जो कि 0.9 बर्थ है जो कि लोएस्ट है। और इसके बाद सेकंड लोएस्ट और थर्ड लोएस्ट देखा जाए तो वो साउथ कोरिया और एंडोरा जहाँ पे 1 के करीब जो है वो बर्थ रेट है। वुमेन इन द यूएसए हैव एन एवरेज 1.7 बर्थ इन देयर लाइफ टाइम व्हाइल वुमेन इन द चाइना एवरेज 1.6 इंडिया 2.2 कीनिया 3.6 अल्बानिया चाड एंड साउथ सूडान हैव द लोएस्ट परसेंटेज ऑफ मैरिड वुमेन aged 15 to 49 using modern contraceptive methods at 5% or lower. So, जो developed countries हैं या advanced country हैं वहाँ पे modern contraceptive methods हैं उनको utilize करते हैं, उन्होंने अपना जो birth rate है उसको control किया है, जबकि अभी भी African countries के अंदर सिर्फ 5% women है जो कि इस तरह की strategies को adopt करती हैं। हम बात कर रहे थे कि सबसे यंग पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका के अंदर होगी 2050 के अंदर, तो 46% शेयर अंडर एज 15 इन मिडल अफ्रीका द यंगेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। सॉरी मैं 50 में कह रहा था, अभी 2019 की बात हो रही है। सबसे यंग पॉपुलेशन जो है वो अफ्रीका में एग्जिस्ट करती है जिनकी उम्र 15 साल से कम है, और सबसे ज्यादा एज वाली पॉपुलेशन जो है वो हमें साउदर्न यूरोप के अंदर नजर आती है। ओल्डेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन शेयर एजेस 65 प्लस 21%, यानी 1/5 हर पांचवा बंदा जो उनका वो 65 साल या उससे ज्यादा एज का एग्जिस्ट करता है। एवरेज हाउस होल्ड साइज इन स्वीडन इज 1.9 द स्मॉलेस्ट इन द वर्ल्ड, जबकि हम दुनिया में देखें तो कम से कम 2 फैमिली मेंबर्स जो वो एग्जिस्ट करते हैं घर के अंदर, तो स्वीडन के अंदर जो है फिर वो 2 हैं तो ना के बच्चे भी हैं 3, 4, 5 इस तरह हाउस होल्ड साइज जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो स्वीडन ऐसा कंट्री है कि जहाँ पे दुनिया में इस वक्त यानी कपल से भी लोअर लेवल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम इनके लोग जो हैं वो सिंगल रहना जो है वो पसंद करते हैं। अल्टीमेटली इनकी पॉपुलेशन जो है वो ज़ाहिर नेगेटिविटी की तरफ जाएगी। एज के हवाले से देखा जाए जो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी के सेंस में मेजर की जाती है, और अगेन इसमें मेल की लहदा लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फीमेल की लहदा एक्सपेक्टेंसी जो है वो बताई जाती है। हांगकांग जो है वहाँ पे सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रिपोर्टेड थी 2019 में,
मेल के लिए 82 इयर्स और फीमेल के लिए 88 इयर्स। अब इसके रीजन होंगी भाई व्हाई दे हैव मोर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मे बी ड्यू टू मोर फूड सिक्योरिटी, बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, बेटर फैसिलिटीज, हाइपरटेंशन एसोसिएटेड, एंग्जाइटी एसोसिएटेड, इन्वायरमेंट एसोसिएटेड, वो चीजें हैं वहां पे नेगेटिव चीजें हैं वो कम से कम लेवल पे होंगी। अल्टीमेटली दे हैव longer life expectancy in both gender, whereas it is lowest in African Republic. इसमें 50 years male की और 54 years female की। Countries in Africa are home to some of the world's youngest populations, जो कि हमने overall बात की है कि 46% population in Africa is under 15. अब कंट्री वाइज देखें तो इवन नाइजर की 50% पॉपुलेशन है, एवरेज 46 बनती है लेकिन नाइजर अकेला देखा जाए तो 50%, अंगोला, चाड, माली 48%, युगंडा, सोमालिया 47%। इन कंट्रास्ट 27% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज एज 15 आर बिलो, चाइना 18%, यूएसए 19%। Asia and Europe are the home to some of the world's oldest population, those ages 65 and above. Japan mein 28% population jo unki wo 65 and plus years hai. Monaco mein 26%, Italy mein 23%. 12% of the China's population is age 65 and above. Ab China ke andar bhi humne dekha hai ki 1976 के बाद उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी जब इंप्लीमेंट की है तो जो बच्चों का या जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो सीवियरली इफेक्ट हुआ। तो नई जनरेशन जो है वो तो ऐड नहीं हो रही थी लेकिन जो जनरेशन उस वक्त एग्जिस्ट करती थी वो ओल्ड एज में कन्वर्ट हो रही थी। अब वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 1/10 इंडिविजुअल्स दे आर 65 आर अबव, 16% इन द यूएसए, 6% in India and 3% in Nigeria. Census के वाले से देखा गया 2019 में 22 countries ऐसे थे कि जिन्होंने schedule किया हुआ था कि वो 2019 में census करेंगे, जबकि 52 countries have planned to count their population in 2020. अब टेक्नोलॉजी जो है ना उसकी वजह से बहुत सारा प्रोसेस जो है वो इजी भी हो गया। जैसे हमने एक एग्जांपल देखी है कि जहाँ पे टैबलेट्स को यूज करके विद इन 3 मंथ जो है ना वो डाटा उसको कलेक्ट भी कर लिया गया और उसको एनालाइज भी कर लिया गया। तो अल्टीमेटली ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि इन पे अमल करके IT टूल्स को यूज करके हम क्विकली जो है ना वो सेंसेस को करके उस डाटा को और उस अप टू डेट इंफॉर्मेशन को डिफरेंट पॉलिसीज के लिए, एक्शंस के लिए जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये भाई बेसिक डॉक्यूमेंट है, इसको अगर आप मज़ीद डिटेल के साथ पढ़ना चाहें तो ये आपको PDF फॉर्मेट में ओपन एक्सेस के साथ जो है वो अवेलेबल है। तो अब हम सेकंड कंपोनेंट की तरफ आते हैं आज का जो लेक्चर है, 2020 में जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा शीट जो है वो शेयर की गई है उसके बारे में आपके साथ बात करेंगे। और यहाँ पे हम कुछ जो इंडिकेटर्स स्पेशली जो इसके अंदर हमें मिलते हैं तकरीबन 2 दर्जन के करीब यानी 24 के करीब पैरामीटर्स हैं जिनको इनके अंदर एनालाइज किया जाता है, तो वो देखेंगे कि हम वहाँ उन इंडिकेटर्स के हिसाब से अपने नेबर कंट्री से ही अगर हम कंपेयर करें, साउथ एशिया के अंदर ही रहते हुए अगर हम कंपेयर करें तो हम दुनिया में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो पहले इसका मेन हम देख लेते हैं कि 1962 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डाटा शीट जो है वो जनरेट होना शुरू की गई बाय द PRP, और इसमें ये अब एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट की हैसियत रखता है स्पेशली एजुकेशनल टूल के वाले से बात कीजिए। जैसे मैंने ये इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके आप लोगों के साथ जो शेयर की है, विद 2 dozen critical population health and environment indicators
carefully researched, developed, and vetted by demographers and analysts from more than two countries and territories. It provides a snapshot of the demographic trends reshaping our world today and previews what we can expect in future. So according to 2020 world population data sheet, the global population is 7.8 billion and the fertility rate you can see 1 point has declined from 2.4 to 2.3 in 2020. . 91 countries and territories have fertility rate below replacement level. Replacement level क्या होता है कि जितने फौत हो रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं तो हम कहते हैं कि वो replacement level achieve हो रहा है। तो 91 countries या ऐसे खित्ते हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे fertility rate जो है वो replace नहीं कर रहा, below है replacement level से, including Brazil, China and the United States. So ultimately इनकी आबादियां जो है फिर वो डाउन होंगी इन फ्यूचर। इन 24 सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज मोर देन 50% ऑफ द मैरिड वुमेन एज 15 to 49 विद द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग आर नॉट यूजिंग मॉडर्न मेथड्स। ऑलमोस्ट हाफ पॉपुलेशन जो है वो मॉडर्न कंट्रासेप्टिव मेथड्स या उसको एक्सेस नहीं कर पा रही। इसमें बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, वहाँ के जो डिफरेंट उनके डेमोग्राफिक्स हैं वो इसमें रोल प्ले करते हैं। हाई इनकम कंट्रीज हैव इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 5 और ये कितने में होती है 1000 में, कि 1000 में 5 बच्चे ऐसे हैं कि जिनकी डेथ हो जाती है। वेयर एज लो इनकम कंट्रीज हैव एन इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट ऑफ 50 विच इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स मोर एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। इसका मतलब है कि इन्होंने अपना हेल्थ स्ट्रक्चर जो है उसको बेहतर किया है, फूड की अवेलेबिलिटी और डाइवर्सिटी को बेहतर किया है। माओं की सेहत बेहतर है तो अल्टीमेटली बच्चे जो हैं उनकी सेहत भी बेहतर होती है, उनकी अंदर जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसीज हैं वो इतनी ज्यादा नहीं है कि उनका डेथ रेट जो है वो हमें 10 times लेस नजर आता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज। अनदर इंडिकेटर दैट 84% साउथ अमेरिका as the highest regional percent of population living in the urban area. तो इस जो world population data sheet है इसके अंदर हमें ये भी information मिलती है कि कितने percent population जो है वो शहरों में रह रही है और कितने percent जो है वो देहातों में रह रही है। तो South America के कुछ regions ऐसे भी हैं कि जहाँ पे 84% population जो है उनकी वो शहरों में रहती है, ठीक है, बहुत कम population है जो village level पे exist करती है। साउथ एशिया के जब इंडिकेटर्स आएंगे तो हम देखेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, स्पेशली मैं पाकिस्तान, इंडिया, चाइना और साउथ कोरिया और जापान गालबन जहाँ पे जरूरत पड़ेगी इनको कंपेयर करूँगा डिफरेंट इंडिकेटर्स के हवाले से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर फीमेल इन साउदर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप इज 84 विच इज हाइएस्ट ऑफ एनी रीजन इन द वर्ल्ड। बाई 2050 अंगोला, Benin and Niger are expected to see their population increase by 150% or more. So, आप देखें एक तरफ दुनिया के कितने भाई कंट्रीज हैं, 91 कंट्रीज हैं कि जो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी को अचीव नहीं कर पा रहे, और दूसरी तरफ हम देखें तो वो कंट्रीज ऑलरेडी पॉवर्टी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं जो इवन डेवलपिंग कंट्रीज नहीं कहलाते दुनिया के अंदर, उनकी पॉपुलेशन जो 150% इंक्रीज होने जा रही है। 3% सब सहारन अफ्रीका हैज द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ द पॉपुलेशन ए 65 देन एनी अदर रीजन। अब कहाँ पे जापान 27-28% और कहाँ पे सब सहारन अफ्रीका का ओवरऑल पॉपुलेशन इंडिकेटर है सिर्फ 3% लोग ऐसे होंगे कि जो 65 साल की एज तक जो है वो पहुंच पाते हैं। 38 countries and territories are projected to have a smaller population in 2050 than 2020, including Armenia. So, 38 countries, they are expected to have even low population as compared to which is existing one in 2050.
डेमोग्राफिक ट्रेंड्स मेक अस वल्नरेबल टू पेंडेमिक। जैसे 2019 जी थी जो पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक फैक्ट शीट आपके साथ शेयर की गई थी, उसमें थीम क्या था, सेंसेस था। इसमें क्योंकि लेटेस्ट जो ट्रेंड था वो पेंडेमिक का था, जो कि COVID-19 की शक्ल में था। बेसिकली एपिडेमिक से बात शुरू होती है, और एपिडेमिक किसी ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में वर्ड यूज किया जाता है कि जो एक कम्युनिटी से निकल के फिर ग्लोबल लेवल पे फैल जाती है एक पर्टिकुलर टाइम में, तो उसको हम एपिडेमिक का नाम देते हैं, जो कि एक कम्युनिटी के अंदर बेसिकली फैलती है एट अ पर्टिकुलर टाइम। और यही जब एक कम्युनिटी से निकल के इंटरनेशनल कम्युनिटी तक चली जाए, एक कंट्री से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे जब वाइड स्प्रेड कर जाए, उसको हम ग्लोबल एपिडेमिक का नाम देते हैं। एन एपिडेमिक अकरिंग वर्ल्ड वाइड क्रॉसिंग इंटरनेशनल बाउंड्रीज एंड यूजुअली अफेक्टिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल। सो इन केस ऑफ COVID-19 दिस इज द पेंडेमिक, ये ग्लोबल लेवल पे है और कोई कंट्री दुनिया का ऐसा नहीं है कि जो इससे अफेक्ट नहीं हुआ। तो डेमोग्राफिक अगर देखे जाए 2020 के, तो उनकी बेस पे COVID-19 के हवाले से कुछ फोरकास्ट की गई है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेंड देखा गया है अर्बनाइजेशन, कि वो कंट्रीज जहां पे शहरी आबादी जो है वो ज्यादा है। 26 कंट्रीज एंड टेरिटरीज हैव मोर देन 40% ऑफ देयर पॉपुलेशन लिविंग इन सिटीज ऑफ 1 million और मोर। अब दुनिया में जो है ना, जब भी 10-20,000 के करीब पॉपुलेशन हो जाए किसी टाउन के अंदर, तो फिर नया टाउन जो उसको आबाद किया जाता है। हमारे जो साउथ एशिया की अगर हम बात करें स्पेशली, तो यहाँ पे ट्रेंड क्या है कि बड़े शहर तो उनके इर्द गिर्द ही जो पेरी अर्बन एरियाज हैं उन्हीं की जमीन जो है वो यूटिलाइज करते करते जो साथ वाले गाँव हैं वो भी ऐड होते जाते हैं। तो अल्टीमेटली शहर जाना वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वहाँ पे फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो ट्रैफिक के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, जॉब अपॉर्चुनिटीज के हवाले से वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। 26 कंट्रीज या रीजन्स ऐसे देखे गए हैं कि जहाँ पे मोर देन 40% उनकी पॉपुलेशन जो है वो ऐसे शहरों में रहती है कि जिनकी अपनी आबादी जो है वो 1 million या उससे ज्यादा है। आप आम एग्जांपल आप पाकिस्तान में ले रहे हैं तो ये कराची, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, ये सारे आपको 1 million प्लस में नजर आएंगे। दे मे एक्सपीरियंस मोर डिफिकल्टीज इन कर्टेलिंग द स्प्रेड ऑफ इंफेक्शियस डिजीज लाइक COVID-19 बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ पीपल इन द लार्ज सिटीज ऑफन रिजल्टिंग इन हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। Many large cities in low and middle income countries also have informal settlements. यानी ये तो regular होते हैं ना घर बने हुए, informal जिनको हम कच्ची बस्तियां बोल देते हैं, that are densely populated with limited access to safe water and sanitation. और यहाँ पे फिर एक झोंपड़ी के अंदर जो लोग majority की फार्म में रह रहे होते हैं, उनको फिर पास पीने और सफाई सुथराई का भी इंतजाम इतना अच्छा नहीं होता, पानी भी साफ अवेलेबल नहीं पीने के लिए, और पानी का सीवरेज का निकासी का निजाम भी बेहतर नहीं होता। मेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स सच एज हैंड वॉशिंग, और हैंड वॉशिंग जा रहा है इसके लिए पानी चाहिए, तो पानी नहीं है तो फिर प्रॉब्लमेटिक है। सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि स्पेस ही नहीं है भाई, एक छोटे से कमरे के अंदर, वन रूम के अंदर हो सकता है 8-10 लोग रह रहे हों, हाउ दे कैन मैनेज द सोशल डिस्टेंस। एंड सेल्फ क्वारंटाइन ऑफन इम्पॉसिबल। क्वारंटाइन का मतलब ये ना कि आप आइसोलेटेड, एक कमरा आइसोलेट हो जाए उसके अंदर, तो अगर कमरा ही एक है और उसमें आइसोलेट हो गए तो बाकी फैमिली मेम्बर्स कहाँ पे जाएंगे। सो अर्बनाइजेशन जो है ना, ये पेंडेमिक के अंदर एक मेजर रोल प्ले करने जा रही है। तो जहाँ पे आबादी जो अब इतनी डेंसली अवेलेबल नहीं है, इतनी पॉपुलेटेड नहीं है, वहाँ पे इस पेंडेमिक को रोकने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उनको अडॉप्ट करना इजी है एज कंपेयर टू वो एरियाज जो कि डेंसली पॉपुलेटेड है। सेकंड फैक्टर जो देखा गया इसमें वो एजिंग पॉपुलेशन का, कि वो कंट्रीज जहां पे 65+ ईयर वाले एज जो हैं वो एज वाले लोग जो हैं वो ज्यादा रहते हैं, वो हाई रिस्क
पॉपुलेशन है उनके पास. ओल्डर पॉपुलेशन आर एट हाई रिस्क फॉर बिकमिंग सीरियसली इल इन कोविड 19. द शेयर ऑफ पॉपुलेशन एजेस 65 प्लस इज 20% आर हायर इन 21 कंट्रीज एंड टेरिटरीज. और यहाँ पे उनको डॉट की मदद से जो शो किया गया, मोस्टली आपको जो है ना यूरोप के अंदर ये कंट्रीज नजर आएंगे. इन कंट्रीज तो आप लेदा भी देख सकते हैं सर्च करके. तो यहाँ पे डेथ रेट जो स्टेटिस्टिक्स हैं इस वक्त के, वो इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं कि इसके एक रीज़न हाई डेथ रेट की ये भी हो सकती है कि दे हैव मोर पॉपुलेशन विद 65 ईयर्स प्लस एज. थर्ड डेमोग्राफिक इंडिकेटर इज द हाउस होल्ड साइज. एवरेज हाउस होल्ड साइज वेरीज substantially around the world, with Western Africa and Middle Africa having the largest average household size at 5.1. ठीक है, यानी एवरेज वहाँ पे 5 से ज्यादा लोग रह रहे हैं, जबकि अभी हमने एक स्वीडन की एग्जाम्पल ली थी कि जहाँ पे 1.9 हाउस होल्ड साइज जो है वो बताया गया. लार्ज हाउस होल्ड साइज एंड मल्टी जनरेशनल लिविंग मे इन्फ्लुएंस पीपल्स एबिलिटी टू लिमिट एक्सपोजर टू COVID at home. For example, older generation may be exposed to young infected household members who are not currently showing symptoms. जैसे पाकिस्तान में भी ये situation नजर आ रही है. School, universities को बंद करने का मकसद क्या है कि जो young ones हैं वो इस disease को, इस infection को घर के अंदर जो old age individuals, क्योंकि हमारे यहाँ पे mostly family system ऐसा है कि जिसमें पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये साथ ही रहते हैं, तो वो इन्फेक्ट होंगे तो अल्टीमेटली डेथ रेट जो उसके बढ़ने के चांसेस हैं. तो अब दुनिया की जो पॉपुलेशन है इसको कंट्री वाइज और फिर डिफरेंट रीजन वाइज जो है वो तकरीबन 24 से ज्यादा इंडिकेटर्स की शक्ल में प्रेजेंट किया गया इस रिपोर्ट के अंदर. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल डिस्कशन हो सकती है, स्पेशली साउथ एशिया के वाले से, जिस तरह मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा. वन बाय वन स्टेटिस्टिक्स जो है ना इनको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस आपको जरूर होनी चाहिए. तो एशिया में अगर देखा जाए तो इसमें वेस्टर्न एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया, ये 5 इसकी आगे सब क्लासिफिकेशन हो जाती हैं. तो हम जो वेस्टर्न एशिया इसमें जस्ट कंट्रीज के नाम लेंगे, जैसे इसमें आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, साइप्रस, जॉर्जिया, इराक, इजराइल, जॉर्डन, कुवैत, लिबनान, ओमान, पैलेस्टाइन, कतर, सऊदी अरेबिया, सीरिया, तुर्की, यूएई, यमन, ये भाई इसमें शामिल हैं जिनको हम वेस्टर्न एशिया का नाम देते हैं. सेंट्रल एशिया में ज़्यादातर आपको वो स्टेट्स नज़र आएंगे जो रशिया से आज़ाद हुई थी, कजाकिस्तान, कर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, उज़्बेकिस्तान. साउथ एशिया में बात करें तो इसमें आपको अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ईरान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, साउथ एशिया में ये शामिल है. और साउथ ईस्ट एशिया का जब भी वर्ड आएगा तो आपका ज़हन जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड की तरफ जाना चाहिए. ब्रुनाई, कोलंबिया, इंडोनेशिया, लोआस, मलेशिया, म्यांमार, बर्मा भी जिसको कहते हैं, फिलिपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड, तैमूर, ईस्ट तैमूर बेसिकली ये इंडोनेशिया से एक लैदा करके क्रिश्चियन बेस्ड जो है ना वो कंट्री है, वियतनाम, ठीक है, वो ये साउथ ईस्ट एशिया में एग्जिस्ट करते हैं. इसी तरह ईस्ट एशिया में देखें तो इसमें चाइना, चाइना के पास फिर दो ऐसे कंट्रीज कह लें जो कि पहले इंडिपेंडेंट फॉर्म में, जैसे हांगकांग जो है वो पहले 100 साल इसके ऊपर यूके ने रूल की है और फिर एक माहदे के तहत इसको चाइना को हैंडओवर किया गया. तो चाइना ने इसके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सेपरेट ही रखा हुआ है, लेकिन ये चाइना का पार्ट एंड पार्सल है. इसी तरह एक और मकाओ का इलाका है, उसमें भी सेम सेपरेट, एक वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री समझते हैं लेकिन चाइना जो है वो उसके ऊपर अपना दावा करता है. जापान, कोरिया, गेन, नॉर्थ एंड साउथ, मंगोलिया, ताइवान, तो ये जितने भी एशिया के अंदर कंट्रीज हैं उनको हमने डिफरेंट
सब रीजन्स लेवल पे आपके साथ जो है वो शेयर की है। और अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें पॉपुलेशन टोटल 2020 की वो यहाँ पे शो की गई है, मिड 2020 यानी जून 2020 तक जो डाटा अवेलेबल था। बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, ये किसी भी कंट्री की हेल्थ स्टेटस को अगर आप देखना चाहते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है, तो वहां पे ये देखेंगे बच्चों का इन्फेंट का मॉर्टेलिटी रेट क्या है। बर्थ पर 1000 ये बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ को शो करेगा। और इसी तरह इसका अपोजिट है डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज जिसकी बेस पे हम बात कर रहे हैं ना कि क्या वो रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, नेट माइग्रेशन रेट यानी वो कंट्रीज जहाँ पे लोग आ रहे हैं वो प्लस साइड पे, जहाँ पे नेगेटिव है इसका मतलब है कि उसमें जो पॉपुलेशन है वो मूव कर रही है इन अदर कंट्रीज। और उसकी रीजन क्या हो सकती है कि ये बेटर रिसोर्सेज हैं, ये भी ट्रिगर करते हैं बेटर इकोनॉमीज हैं वो, बेटर एजुकेशन, बेटर इकोनॉमी, ये बेसिकली मोटिवेट करती हैं लोग माइग्रेट करते हैं। तो इमिग्रेंट और एमिग्रेंट ई से भाई, ये मैं आगे फर्क भी आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद पॉपुलेशन की प्रोजेक्शन की गई है 2035 में और 2050 में। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, ये है वो इंडिकेटर जो किसी भी सोसाइटी की हेल्थ सिस्टम जो है ना उसको उसकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है। तो हाईएस्ट दम इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यू कैन से पुअर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर। टोटल फर्टिलिटी रेट है जिसको पॉपुलेशन की ग्रोथ की सेंस में बात की जाती है। पॉपुलेशन की जो बाइफिकेशन की जाए एज वाइज, तो इसमें दो इंडिकेटर्स थे, लेस देन 15 ईयर्स कितने हैं और मोर देन 65 ईयर्स एज इंडिविजुअल्स कितने हैं। फैमिली प्लानिंग की बात की गई तो इसमें किस किस किस्म की फैसिलिटीज जो हैं वो पॉपुलेशन यूज करती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कितने से मैक्सिमम कितने साल मेल और फीमेल किसी कंट्री में जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा एचआईवी और एड्स, इस तरह की जो वायरल डिजीजेज हैं उनका पॉपुलेशन में क्या रेट है। अर्बन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन सिटीज ऑफ 1 मिलियन प्लस, उनकी परसेंटेज कितनी है, एवरेज हाउस होल्ड साइज कितना है, पॉपुलेशन पर किलोमीटर ऑफ एरेबल लैंड, पॉपुलेशन डेंसिटी बेसिकली इससे रिफ्लेक्ट होती है, जीएनआई पर कैपिटा, तो इसमें बेसिकली जो टोटल कंट्री की इनकम है और टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी बेस पे एक ग्रॉस नेशनल इनकम जो है उसको पर कैपिटा के हिसाब से डिफाइन किया गया। तो एनी हो, इन इंडिकेटर्स को हमने वन बाय वन आपके साथ शेयर करना है, लेकिन सिर्फ साउथ एशिया के वाले से हम बात करेंगे। तो लेट्स बर्थ पॉपुलेशन की बात कर लें, तो अब रीजन के अंदर देखा जाए तो इंडिया जो है वो डोमिनेट कर रहा है, 1 अरब और 40 करोड़ की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान की तकरीबन यहाँ पे 22 करोड़ पॉपुलेशन है। बांग्लादेश जो है वो 16 करोड़ है। अफगानिस्तान जो है वो तकरीबन 3 करोड़ 8 लाख के करीब इनकी पॉपुलेशन है। श्रीलंका जो है ये भी आपको 21 मिलियन पॉपुलेशन इसकी नजर आती है। मालदीव बहुत छोटा कंट्री है भाई, 0.5 मिलियन पॉपुलेशन। तो कहने का मकसद क्या है कि साउथ एशिया में 1967 मिलियन लोग रह रहे हैं इस वक्त, ठीक है। इसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में 662 एंड ईस्ट एशिया में 1641। तो इसमें मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो चाइना की तरफ से आ जाता है। 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी जो है वो चाइना की, और बाकी भी 51 जो है वो साउथ कोरिया की है इसके अंदर, और ताइवान जो है 23 मिलियन। बर्थ पर 100 पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो ये 21 है ओवरऑल साउथ एशिया में। और ईस्ट एशिया में देखें, अब ये देखिए एशिया का ही पार्ट है, ठीक है, और हमसाया भी हमारा भी चाइना, लेकिन ईस्ट एशिया में काउंट होता है तो इसका एवरेज यहाँ पे 10 के करीब है, ठीक है। डेथ रेट अगर देखें तो ये 6 है
और दूसरे दो रीजन के अंदर कंपेरेटिवली हाई साइड है। और इसके रीजन क्या है कि अब इनके पास एज पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है, तो उसका डेथ रेट जो है वो ज्यादा होता है। इमिग्रेशन की माइग्रेशन की बात की जाए तो आपको यहाँ पे नेगेटिव ही ट्रेंड नजर जो है वो आ रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट ये मालदीव जो है ना, यहाँ पे आपको वैल्यू इस तरह की नजर नहीं आ रही। इसी तरह चाइना मकाओ के अंदर जो है वो वैल्यू आपको पॉजिटिव में अंदर नजर आ रही है। 2050 के वाले से बात की जाए तो साउथ एशिया की आबादी 1967 से बढ़ के 2456 हो जाएगी, जबकि साउथ ईस्ट एशिया में डिफरेंस जो है वो ज्यादा नहीं होगा, 662 से बढ़ के ये अराउंड 800 एक्सपेक्टेड है, और ईस्ट एशिया में 1641 से डिक्लाइन होके 1585 होने की एक्सपेक्टेशन है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट भाई ये गौर करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। पाकिस्तान का देखे तो 62 है हाईएस्ट इन द रीजन, फॉलोड बाई अफगानिस्तान, इवन अफगानिस्तान से ज्यादा हमारे यहाँ पे बच्चों की डेथ हो रही है। और इसकी रीजन क्या है कि माएं जो है वो भी माल नॉरिश्ड है, अल्टीमेटली बच्चे भी माल नॉरिश पैदा हो रहे हैं। तो फूड इनसिक्योरिटी जब तक हम करेक्ट नहीं करेंगे ये मसला इसी तरह रहेगा। अब चाइना से कंपेयर करें तो चाइना में ये 9 के करीब इंडिकेटर, सॉरी ये इन्फेंट मॉर्टेलिटी, हाँ जी 9 है इंडिकेटर चाइना का। तो कहाँ 62 बच्चे हमारे 1000 में फौत हो जाते हैं, और कहाँ चाइना में सिर्फ 9 के करीब उनका नंबर बनता है। ओवरऑल रीजन वाइज भी देखें तो साउथ एशिया हाई है 37 के साथ एज कंपेयर टू ईस्ट एशिया। अच्छा जी, एज पॉपुलेशन देखें तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 4% है, इंडिया में जो है वो 6% है, जबकि ईस्ट एशिया में आपको ये वैल्यू हाई नजर आएगी, 13, 16, 12, 29, इवन जापान में देखें 29 है। ये देखें मैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी में जापान को देखें 1.9। तो ये देखिए एशियन कंट्रीज ही हैं जिन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर करते हुए चीज़ों को बेहतर कर लिया है। इसी तरह इसमें बाकी जो इंडिकेटर्स हैं इनके, लाइफ एक्सपेक्टेंसी पाकिस्तान में जो है वो 69, 67, मेल फीमेल के हिसाब से अगर बात की जाए तो मेल में 67 है, फीमेल में 71 है, जबकि जापान में चले जाते हैं तो ये 81 और 87 है। ये एडिशनल जो 20-22 साल बनते हैं ना भाई, ये क्वालिटी लाइफ की वजह से है। कोरिया ये हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था देखें, 80-86 है। चाइना 75-79, तो जिन्होंने अपनी सिचुएशन बेहतर कर ली है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रही है। अर्बनाइजेशन की बात करें तो साउथ एशिया में 36% है, साउथ ईस्ट एशिया में 49 है, और ईस्ट एशिया में 64% है, यानी मेजॉरिटी इनकी पॉपुलेशन जो है वो शहरों में रहती है। ये भाई कुछ डेफिनेशन जो इसके अंदर यूज होती हैं, जैसे क्रूड बर्थ और डेथ रेट क्या होता है, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या है, नेट माइग्रेशन रेट क्या है। तो यहाँ पे आपने ये डेफिनेशन याद करनी है, माइग्रेशन जिसमें इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन आती है। तो इमिग्रेशन वो होता है जो बंदा अपना कंट्री छोड़ के चला जाता है, यानी उस कंट्री से उसको माइनस कर दिया जाता है, और जिस कंट्री में वो जाता है वहाँ पे वो इमिग्रेंट गिना जाता है, वहाँ पे जाके वो ऐड हो जाता है। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है, इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या होती है, अर्बन पॉपुलेशन क्या है, एवरेज हाउस होल्ड साइज क्या है, ये डेफिनेशन वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ, सो यू विल prepare by self for further reading. This is the online source information available. आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे किसी भी इंडिकेटर को एक्सप्लोर द डाटा की ग्लोबल इंडिकेटर, इवन यू कैन डाउनलोड द डाटा शीट्स एंड ऑलमोस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल राइट हियर। सो इन 2020 द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज 7.8 बिलियन।